आज इंदौर में नो कार डे मनाया जा रहा है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने अपील की थी जनता से और जनता ने उसको काफ़ी सराहा है। मैं सड़कों पर देख रहा हूँ कारों की संख्या बहुत कम है। महापौर जी से जानते हैं क्या प्रतिसाद है और क्या उद्देश्य है, सर बताइए। इंदौर में सड़कों पर यातायात का दबाव कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले, इंदौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो, इस प्रयास को करने के लिए हम कम सड़कें लेकर सड़कों पर आएँ, कम कारें लेकर सड़कों पर आएँ। तो वर्ल्ड कार डे आज दुनिया भर में मनाया जाता है, वर्ल्ड नो कार डे, तो उसी का प्रयास हमने इंदौर में किया है और यदि सफल रहता है तो हम लोगों से लगातार इस बात का आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक ई रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एंड टू एंड मोबिलिटी बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कामों में वो आगे आएँ। इंदौर में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से मेट्रो शुरू होने वाली है, तो मेट्रो शुरू होने के पहले लोग कार छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, मेट्रो का उपयोग करें, उसकी भी ये तैयारी है। और एक बहुत सुखद अनुभव भी है कि मैं महापौर कार्यालय में जो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं वो नियमित बस से जाते हैं, आज योग से जिस बस में मैं बैठा हूँ वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो दुनिया में बड़े से बड़े लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ट्रेन का, बसों का उपयोग करते हैं, तो अब समय आ गया है कि भारत के बड़े शहरों में भी लोगों को और बड़े लोगों को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का इसमें नकारात्मक सोच भी है कि एक दिन कार नहीं चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई इवेंट नहीं है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये प्रयास है, एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की। और अगर ये सफल होगा, इसका प्रतिसाद अच्छा मिलेगा, तो इसको योजनाबद्ध तरीके से साल में दो बार, चार बार, महीने में एक बार लागू किया जा सकता है। लेकिन कुछ करने के पहले प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। आप थे इंदौर के महापौर, जो बता रहे थे कि शुरुआत करने के लिए कहीं से तो शुरू करना पड़ता है और उसको आगे चल के उसको बढ़ाया जाएगा, सप्ताह में और महीने में भी किया जा सकता है नो कार डे। और इंदौर के लोग इतने अच्छे हैं कि वे सभी चीज़ों में सहयोग करते हैं, इसी का चलते इंदौर 6 बार से स्वच्छता में प्रथम आया है और 7वीं बार की तैयारी कर रहा है। इंदौर में आज नो कार डे है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आह्वान किया है और इंदौर के कलेक्टर डॉक्टर टी इलैया राजा स्वयं पैदल जा रहे हैं और पैदल से सिटी बस में बैठेंगे, उन्हीं से जानते हैं। सर, आज किस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं नो कार डे का? जैसे ना मैं ये सब ने आह्वान किया एंड यूनाइटेड नेशंस का नो कार डे है, इस बार हम लोग इसको पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। स्पेशली है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल और सारे डिपार्टमेंट्स, हमने जनरल पब्लिक से भी है ना अपील किया है कि आप लोग है ना बिल्कुल आज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ई रिक्शास हैं और बसेस, मैं खुद है ना मतलब है ना अभी सिटी बस के माध्यम से जाऊँगा, मेरे लिए 2 बस ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा यहाँ से बावरकुआ से ना कलेक्टेड। ये एक न्यू इनिशिएटिव है, डेफिनेटली है ना लोगों को है ना इसको पालन करना चाहिए। जो आलोचक हैं उनका कहना है कि एक दिन कार नहीं चलाने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? कोई भी अच्छे काम के लिए ना डेफिनेटली हमको बहुत कुछ ना एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, बट एक दिन शुरुआत कोई चीज़ होती है, शुरुआत में डेफिनेटली हमको लोगों को एहसास कराना होगा, महसूस कराना होगा एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ना बढ़ाने के लिए डेफिनेटली हम लोगों को सोचने के लिए ना होगा। आप कौन ऐसे कोई आलोचक है तो मतलब पहले यूज़ करके देखें मतलब उनका क्या है ना फील हो रही है। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी है ना इंदौर एक पूरी भारत में एक उच्चतम है ना स्थान प्राप्त किया है। ऐसे इनिशिएटिव्स है ना मतलब इस सिटी को और आगे ले जाएगा, ऐसे सोच विचार मतलब है ना टुवर्ड्स है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी सामाजिक संगठन पूरी समाज को सोचने में भी है ना मजबूर करेगा कि मतलब हमको है ना दूसरे प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन को भी है ना विचार है ना करना होगा। ये थे इंदौर के कलेक्टर टी इलैया राजा जो स्वयं पैदल सिटी बस तक जा रहे हैं और सिटी बस से फिर वे अपने ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस जाएंगे। और उन्होंने आलोचकों को भी जवाब दिया है कि शुरुआत करनी चाहिए और इससे प्रकृति को भी फ़ायदा है और खुद को भी फायदा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।